2013 ये वो साल है जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने ड्रग्स किया। मेरे घर वालों से मेरी लड़ाई हुई थी रिजल्ट को लेके और मैं अपने घर छोड़ के बाहर चला गया था। उनका दोस्त मुझे मिला तो मैंने उसको अपनी सारी बात बताई तो उसने कहा कि हर गम की निजात सिगरेट है और उसने मेरे हाथों में हमदर्दी के नाते सिगरेट थमा दी। पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी लेकिन उसका दूसरा टच लेते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान पर हूँ और सब कुछ अच्छा हो गया। सब कुछ ऐसा लगा कि सब ठीक हो गया है, मेरे वालिद साहब भी मुझसे खुश हैं। तो मुझे पता ही नहीं चला देखते देखते मैं ड्रग एडिक्ट था। तलब को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था। मैंने घर में चोरियां भी स्टार्ट कर दी। मैं तो इधर पड़ा रहता था। एक ड्रग एडिक्ट ही आपको बता सकता है कि उसे एडिक्शन किस हद तक लेके जा सकती है। स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जिन घरों में तशद्दुद ज़्यादा माहौल हो उन घरों के बच्चे डिप्रेशन और डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स और मंशियात की आदि बहुत जल्दी बने और ये लोग मंशियात छोड़ने में नाकाम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये अपनी ही बनाई हुई फर्जी दुनिया में रहते हैं जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं या अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी समझते हैं और उस इमेजिनेशन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और अब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के तो मेरे पास सब कुछ भी नहीं है जो मेरे माँ बाप थे, उनसे मैं प्यार करता था, अब वो नहीं है। मेरे बहन भाई जिनसे मैं बातें शेयर कर सकता था वो भी मुझे छोड़ के जाऊँ। मैं सिर्फ ये ख्वाहिश करता हूँ कि काश काश मैं वो सिगरेट और ड्रग ना करता तो जाके अपने वाले साहब को गले लगा लेता, प्लीज़ अब्बू मुझे माफ़ कर दें और मैं आइंदा से पढ़ूँगा, अच्छे से पढ़ूँगा, प्लीज़ अब्बू। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रग्स किसी चीज़ की निजात नहीं है। ड्रग्स एक ज़िंदगी ख़राब नहीं करते, वो पूरे ख़ानदान वो कई जिंदगियाँ नसाब ले जाते। खुदा हाफ़िज़।